हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बिगोनिया प्लांट है इसको मैं ग्रो करना बताऊंगी और इसकी मैं कटिंग, ये मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, इसकी मैं कटिंग लेके आई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ से, और कटिंग भी मैं ग्रो करूंगी और मैं काफ़ी सारे प्लांट्स बनाऊंगी ताकि ये सर्दी में हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे। अब जून का महीना है, जून के महीने में मैं इसकी ग्रो करूंगी और कटिंग से लगाऊंगी। ये एक पहाड़ी इलाके का प्लांट है, वहाँ पे खूब सर्दी में चलने वाला ये प्लांट है और वहाँ के ये पेरिनीलियल होते हैं, चिरस्थाई रहने वाले प्लांट है और पूरी फ्लावरिंग देते हैं, पूरा साल बारहमासी होते हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो नॉर्थ में है, यहाँ पे कभी कभी हाई टेम्परेचर इतना हो जाता है कि 50 के आसपास हमारे यहाँ वातावरण में हो जाता है टेम्परेचर, तो उस टाइम ये मरने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स। तो इनकी केयर और प्रेपरेशन और कटिंग से कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और इस इनकी मैं अपडेट भी दिखाऊंगी। और उससे पहले हम जब इसको ग्रो करेंगे तो हम सॉयल की बात कर लेते हैं, फिर हम वाटरिंग की बात करेंगे कि इनको कैसा वाटर चाहिए और इसको कैसे प्लेस पे रखना है ताकि ये हमारा कम से कम 8-9 महीने या पूरा साल ये प्लांट हमारा चलता रहे और हम इसको कटिंग से ग्रो करके आगे से आगे बढ़ा सकें। अब मैं आपको इसकी सॉयल की बात बताती हूँ कि इसको सॉयल कैसी चाहिए। ये गार्डन सॉयल हमने ली है 50% के करीब, इसमें आप मस्टर्ड केक डाल दें और हमेशा आप या तो मस्टर्ड केक इसमें पाउडर बना के सॉइल में डालें या फिर आप भिगो के आप रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऐसे टुकड़े डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके गमले में बहुत सारे कीड़े, वाइट कीड़े बन जाएंगे जो कि बहुत ही देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो इसलिए आप कभी भी इसको मस्टर्ड केक को आप ऐसे मत डालो, अगर आप डालते हो तो सॉइल में मिक्स करके डालो पाउडर बना के, नहीं तो आप इसको पानी में डालो। ये हमने 50% लिया है गार्डन सॉइल और मैंने 10% के करीब लिया है मस्टर्ड केक, और ये कंपोस्ट खाद जो मैंने गड्ढे में बनाई हुई है सूखे पत्तों की, और सब काउडंग मुर्गी की खाद और बकरी की मींगनी डाल के जो मैंने खाद बनाई है वो मैंने लिया 20%, वर्मी कंपोस्ट वो मैं लूँगी 10%, और जो ये उपला है उपले को मैंने भिगो दिया है। भिगोने के बाद जो पानी होगा जो हम इसमें प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे तो वो मैं काव डंग के पानी का ऐसे वाटरिंग करूँगी ताकि हमारे प्लांट्स को जो है बहुत अच्छी सॉइल मिले और वो अच्छा ग्रोथ करें। अब मैं आपको ये जो कटिंग लेके आई हूँ वो मैं कटिंग ग्रो करना दिखाऊंगी, उसके बाद उसकी अपडेट, और उसके बाद मैं आपको जब वो फूल थोड़े से भी फूल देने शुरू करेंगे तो आपके साथ मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब मैं पोट में इनको भर लेती हूँ तो वो कटिंग लगाती हूँ। बिगोनिया प्लांट की जो है कटिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसलिए ये थोड़ा सा भी केयर करने पे ग्रो हो जाता है। आप इसकी देख रहे हैं पत्तियों का कलर, कहीं वायलेट कलर है और कहीं पे ग्रीन कलर है, बिल्कुल आप पास में कैमरा करके देखें तो इनकी जो कोरे हैं वो वायलेट कलर की हैं और बीच में वो ग्रीन कलर की पत्तियाँ इनकी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आप इसमें आप जब भी कटिंग लगाते हैं तो उसको तकरीबन 2.5 से 3 इंच के तकरीबन उसका तना जो है अंदर मिट्टी में सॉइल में कर दें और अच्छी तरह से दबा दें ताकि उसमें एयर ना बबल्स ना बने। एक मैं आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाऊंगी, इसमें विगोनिया में सीड बने हुए थे तो मेरी फ्रेंड ने उसको सीड से भी ग्रो किया पर मैं कटिंग से ग्रो करूँगी। तो इसमें आप काउडंग के पानी की वाटरिंग कर दें और मैं सेमी शेड में रखूंगी इसको फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी धूप दूंगी और धूप दिखाऊंगी और थोड़ा सा इसको मॉइस्चराइज मिलेगा तब ये हमारी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो होगी। ये तकरीबन 1 मंथ के करीब हो गया है, आप देखेंगे कि हमारे प्लांट्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है,
तो अब मैं आपको इनको निकाल के भी दिखाती हूँ कि इनकी रूट्स कैसी बनी हैं। और एक मैं चीज़ और दिखा दूँ, ये मुर्गा कलगी कॉस्कॉम के मैंने सीड डाले थे, किसी और पोट में डाले थे, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। और इसने यहाँ पे कुछ गिर गए होंगे तो उसने यहाँ पे सीड ने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको सॉयल उतार के दिखाती हूँ। अब इनको मैं थोड़े से बड़े पोट में लगा दूंगी, जो मीडियम साइज़ का पोट होगा। आप कभी भी बिगोनिया को ज़्यादा बड़े पोट में मत लगाएं, और उससे ऐसे होता है कि हम थोड़ा सा पानी जब सभी प्लांट्स को दे रहे होते हैं तो हम प्लांट्स में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते हैं, पर बिगोनिया में आप कभी भी ज़्यादा पानी ना दें। ये कॉलियस प्लांट की तरह ही हमारा प्लांट है, तो थोड़े से पानी में ही ये सर्वाइव कर जाता है, नहीं तो ये गलने की पोजीशन में आ जाता है अगर हम ज़्यादा इसको रखते हैं। इनको सभी को मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इनकी कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। और इसके बाद जब इनमें थोड़ी सी भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तब मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आप पोट में हमेशा डिक्री भी अच्छी तरह से रखें और थोड़ी सी सॉयल उसमें दबा दें, और सॉयल को आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें ज़्यादा कंकर पत्थर या जो हमारे कुछ भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो आप मत डालें, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ करनी शुरू की है। फ्रेंड्स, आज सितंबर का मिड हो गया है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो बिगोनिया प्लांट्स ने फ्लावरिंग शुरू कर दिया है, और ये पूरे गुच्छों में भर जाते हैं। जब हमारे यहाँ सर्दी शुरू होगी तो आप इसका बस यही ध्यान रखें, पहले मैंने आपको खाद के बारे में, सॉइल के बारे में बता दिया था, पानी इसको बहुत कम दें, और पत्तों पे इसके पानी ना छिड़कने दें, पत्तों पे शावर मत करें, जैसे हम सभी प्लांट्स के ऊपर शावर कर देते हैं, पर इस पे आपने शावर नहीं करना ताकि ये गल ना जाएं। और फूलों पे तो इनके बिल्कुल भी आप पानी मत दें, जब मिट्टी हमारी 1 इंच या 1.5 इंच के करीब ड्राई हो जाए तब आप पानी दें। तकरीबन आप सर्दी में इसको सप्ताह में 1 या 2 बार पानी दें। जब इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तब आप इनको वाटर दें, और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको छत वाली प्लेस पे रखें जहाँ पे हमारी सुबह की मॉर्निंग की धूप आती है 2-2.5 घंटे के लिए, और बिल्कुल मीठी मीठी धूप होती है। ज़्यादा हमने इसको कड़क धूप में नहीं रखना, तो नहीं तो ये बर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके के प्लांट्स हैं और इनको अच्छा मौसम चाहिए, मॉइस्चराइज वाला मौसम चाहिए, ताकि ये मॉइस्चराइज में ये थोड़ा पानी कम ले और अपने वातावरण से ही ये मॉइस्चराइज ले। अब हमारे यहाँ सर्दी में थोड़ी सी बरसात शुरू होगी, तब भी आप इन प्लांट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। इन पोट्स को आप उठा के किसी, अगर आपने छत वाले प्लेस पे रखा है तो बरसात के मौसम का इन पे ज़्यादा असर नहीं होगा, ओनली ये मॉइस्चराइज वातावरण से लेंगे और अपनी फ्लावरिंग बहुत ही गुच्छों में कर देंगे। अगर आपके पोट वैसे ही पड़े हैं तो आप इनको बरसात के पानी से बचाएं, और ताकि ना तो ये गल जाएंगे हमारे प्लांट्स। थोड़ी सी आप इनकी केयर करें तो हमारा जो बिगोनिया प्लांट है वो हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।